थाना राजौंद व कलायत में दर्ज हुए दो अलग अलग मामलों की गुत्थी को सुलझाते हुए राजौंद पुलिस द्वारा तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गांव कसान में एक विवाहित महिला की गुमशुदगी के 70 दिन बाद गांव बड़ सीकरी खुर्द के तालाब में सीमेंट पिलर के साथ चेन से बंधे महिला के गले सड़े शव के मिलने के बाद राजौंद पुलिस ने मृतका के दो देवरों सहित कुल तीन आरोपी गिरफ्तार किए हैं। वही हत्या की वजह गत वर्ष महिला के पति की मौत के उपरांत तीन बच्चों की मां द्वारा अपने देवर से शादी करने से मना करने की रंजिश बताया जा रहा है। आपराधिक षड्यंत्र के तहत हत्या करके शव को खुर्द बुर्द करने के लिए तालाब में डालने वाले आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त की गई दो मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है, जबकि आरोपियों द्वारा छिपाए गए महिला के गहनों की बरामदगी सहित व्यापक पूछताछ के लिए तीन आरोपियों का 8 अप्रैल को कोर्ट से दो दिन का पुलिस ने रिमांड ले दिया है। वही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों के सामने एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि गत 20 मार्च को एक महिला का शव गांव बड़ सीकरी खुर्द के तालाब से बरामद किया गया था, जो कि एक सीमेंट पिलर के साथ लोहे की बेल व चुन्नी के साथ बांधा गया था। शव बुरी तरह गल सड़ चुका था। गांव के सरपंच के बयान पर थाना कलायत में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 302-201 के तहत मामला दर्ज किया गया। महिला द्वारा पहने कपड़ों, कड़े आदि के आधार पर उसकी एक रिश्तेदार मृतका के माता पिता द्वारा शव की शनाख्त महिमा आयु तकरीबन 30 वर्ष कसान निवासी के रूप में की गई, जिसकी गुमशुदगी के बारे में इससे पूर्व महिला के पिता बसाऊ राम निवासी गलाड़ी जिला संगरूर की शिकायत पर 13 जनवरी को थाना राजौंद में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 340 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार महिमा की शादी गांव कसान निवासी जय भगवान के साथ हुई थी, जिसकी 2020 में मृत्यु हो गई थी। उक्त महिला 9 जनवरी 2021 को घर से गायब हो गई थी। एसपी ने बताया कि थाना राजौंद में दर्ज मामले के साथ धारा 302, 201 और 120 भी जोड़ते हुए एसआई चंद्रभान व पुलिस चौकी के थाना प्रभारी सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार की टीम द्वारा इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया गया। वही मृतका के 27 वर्षीय देवर कवर भान उर्फ कौल, 30 वर्षीय देवर विक्र उर्फ विक्की तथा उनके पड़ोस में रहने वाला 22 वर्षीय रिंकू पुत्र सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एसपी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी कवर भान उर्फ कौल अपने बड़े भाई जय भगवान की मौत के उपरांत अपनी भाभी महिमा के साथ शादी करना चाहता था, परंतु महिला ने शादी करने से मना कर दिया था, जिस कारण वह उसके चरित्र पर भी संदेह करते हुए उससे रंजिश रखने लगा, जिसके चलते अपने भाई विक्रम व पड़ोसी रिंकू के साथ मिलकर अपनी भाभी की हत्या करने की योजना बनाई। वारदात से करीब एक सप्ताह पूर्व कवर भान व रिंकू द्वारा एक दुकान से सीमेंट पिलर खरीदकर पहले से तय स्थान बड़ सीकरी खुर्द में तालाब के पास स्थित शमशान घाट नजदीक डाल दिया गया। 8 जनवरी को रात के समय महिला के दोनों देवरों द्वारा महिला की अपने मकान में गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को तीनों आरोपी कपड़े में गठरी बांधकर रिंकू की बाइक माफत बड़ सीकरी खुर्द स्थित शमशान घाट पर ले गए, जिसके दौरान एक आरोपी अपनी मोटरसाइकिल पर आगे आगे रेकी करता रहा। तीनों आरोपियों द्वारा शव को पिलर से बांधकर तालाब में डाल दिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त की गई दोनों मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा कबूला गया कि उन्होंने महिला की हत्या उपरांत उसके गले के सोने का लॉकेट, पाजेब व चांदी की चेन तथा हथफूल आपस में बांट कर अपने ठिकानों पर छिपा रखे हैं, जिनकी बरामदगी के लिए तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। इसमें चूंकि महिला का शव था तो हम आसपास के थानों में जो भी हमारी मिसिंग की एफआईआर थी या 6366 की थी उसमें हम उसके थ्रू हम सर्च कर रहे थे, तो जो एक सस्पेक्ट हमारी एफआईआर थी उस पर हमने फोकस किया और साथ ही साथ चूंकि महिला की पहचान नहीं हो पाई थी, उसका चेहरा उस तरीके से नहीं था, तो जो उसके कपड़े पहने हुए थे जो मृतका के रिश्तेदार थे उन्होंने एक थान में से वो कपड़ा जो सूट सिलवाया हुआ था तो कपड़ा वो मैच हुआ तो उससे आइडेंटिफाई हो पाया कि हाँ ये वही लड़की है। उसके बाद जब हमने फिर उस जब परिवार का पता चल गया कि कहाँ की है, उसके बाद पुलिस ने जब उसमें तफ्तीश करी तो इन आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल लिया और बाकी उसकी जो फर्दर उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए पुलिस डीएनए टेस्ट भी कराएगी ताकि वो पुख्ता तौर पर वो साबित हो सके। पुलिस का पर्चा वहाँ पर राजौंद थाने में दर्ज है। साजिश में कोई और भी शामिल मिले सर? नहीं, ये तीन लोगों का ही इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट आया है और तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कहाँ से गिरफ्तार? कैसे लेके गए थे इस महिला को वहाँ से? ये तो घर पे ही इनकी हत्या हुई है। जो घर पे हत्या हुई है उसके तालाब तक ये मोटरसाइकिल पे लेके गए थे। मर्डर सर कैसे किया था? वो गला वगैरह दबाकर? हाँ, गला दबाकर और चुन्नी से मुंह पहले स्मोथरिंग और फिर वो गला दबाकर थ्रॉटलिंग करके। तो जो आरोपी है कलायत थाने में वहाँ तालाब से एक महिला का शव मिला था जो कि सीमेंट के पिलर, लोहे की बेल, चुन्नी आदि से बुरी तरीके से बांधा हुआ था और काफ़ी पुरानी बॉडी हो चुकी थी, गल सड़ चुकी थी और वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। उसमें पुलिस ने
थाने की पुलिस ने और CIA ने अच्छा काम करते हुए उस बॉडी को आइडेंटिफाई भी किया है, साथ ही साथ आरोपी जिन्होंने उसका मर्डर किया है उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जो मृतका थी वो महिमा नाम की युवती थी, संगरूर ज़िले की, जो कि गांव कसान जो थाना राजौंद के एरिया में पड़ता है वहां पर मैरिड थी। उसका जो हस्बैंड था वो एक साल पहले एक्सपायर हो चुका था। जो इसमें हत्या के जो आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं उसमें उसके दो देवर हैं, एक कमरभान और एक विक्रम, और इसके अलावा जो तीसरा आरोपी है वो उनका पड़ोसी है रिंकू। तो इन्होंने ही जो हत्या की थी 8 जनवरी को हत्या की थी, और 8 जनवरी को हत्या करके शव को तालाब में डाल दिया था। जो बॉडी है वो काफ़ी समय बाद ये 20 मार्च को इसके इसको ये दिखी थी और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। तो क्या कारण रहे हत्या के पीछे? हत्या के पीछे जो मुख्य आरोपी है कमरभान, वो आफ्टर जो उसके हस्बैंड की एक्सपायरी के बाद वो उससे शादी करना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, तो जिस बारे में महिला ने मना कर दिया तो उससे वो रंजिश रखने लगा, और इसके बाद इन्होंने ये हत्या की योजना बनाई, और साथ ही साथ कुछ ये चरित्र पर भी संदेह करते थे इसके परिवार वाले। तो इन्होंने काफ़ी पहले से ये पूरी योजना बनाई, जो एक सीमेंट का पिलर था वो ख़रीद के इन्होंने 10-15 दिन पहले, हत्या से 10-15 दिन पहले ही वहाँ पर डाल दिया था। फिर सुनियोजित योजना के अनुसार इन्होंने महिला को बुलाया और फिर गला दबाकर दोनों भाइयों ने हत्या की। जो तीसरा आरोपी है वो फिर उनके साथ, उसको भी पूरी योजना के बारे में पता था, और फिर उनके साथ ये गए और इन्होंने बॉडी को तालाब में डंप कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक